नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मोरेसर मित्र पर। आज का रेस्क्यू कॉल में आजमगढ़ जिले के मऊ परासिन गांव से हम लोग मौके पर पहुंच चुके हैं, तो बिना वक्त गवाए चलिए चल के देखते हैं कहां पे और कौन से सामने उसको सुरक्षित रेस्क्यू करने का प्रयास करते हैं। हमें फोन पर ऐसी सूचना मिली है कि यहां पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। असल में जहां पर सांप था वहां पर कुछ उपले रखे गए हैं और एक बूढ़ी माता जी घर के लिए कुछ उपले लेने गए थी और उन्होंने ध्यान नहीं दिया और सांप उनके पैर के नीचे आ गया। मतलब सांप उनके पैर से दब ही गया था, लेकिन तभी सांप ने काफी तेज फूंका और माता जी पीछे हट गई, सांप उपले के अंदर चला गया। तो बिना गवाए चलिए मौके पर चलते हैं और सांप का सुरक्षित रेस्क्यू करके उसको यहाँ से दूर उसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज करते हैं। अभी देखने लगा आप लोग अरे तो पत्थर इतना आराम से बैठा रहो, जल्दी भगवे नहीं। अच्छा हम कहीं है को आराम से लिए तो दिक्कत हाँ ये सही करें, बगल वाले घोड़े में चला था तब दिक्कत होता, लेकिन अगर छेड़छाड़ होगा तो पड़ा रहेगा उसी में। बस टॉर्च बंद कर दीजिए मेरे चाचा, टॉर्च बंद बंद कर दो। हाँ साइज तो बहुत बढ़िया कितनी जगह छोड़ा था, जगह छोड़ा जगह छोड़ा था इसे यहाँ तीनों के लेके नाग बाबा हम पहले कहीं यही वो माता जी हैं जिनके पैर के नीचे ये सांप आ गया था, लेकिन इन्हें बाइट नहीं कर पाया। पहली बार सांप ने इनको अलर्ट किया और जैसे ही सांप ने काफी तेज फुंकार किया तब वो माता जी पीछे हट गई तुरंत से और सांप उस उपले के अंदर जाके छुप के बैठ गया। कहीं ना कहीं इन्हें भी अपनी जान का खतरा बना रहता है और इन्हें भी अपनी जान का डर लगा रहता है। अगर वहां पर माता जी पीछे नहीं हटती तो हो सकता था ये सांप उनको बाइट कर ले, लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाया और वो एक कदम पीछे हट गए और सांप उपले में जाके छिप गया। जरा एक बार इसकी खूबसूरती तो देखिए, ये कितना ज्यादा आकर्षक दिखाई दे रहा है, लेकिन आकर्षक होने के साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जहरीला भी है। लेकिन ये खतरनाक तभी है जब हम लोग उसको खतरा पहुंचाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने आज के वीडियो में देखा ही, ये माता जी का पैर भी इसके ऊपर पड़ गया था, लेकिन फिर भी इसने उनको बाइट नहीं किया क्योंकि पहली बार इसने अलर्ट किया। इसे खुद पे खतरा महसूस हुआ तो इसने उनको अलर्ट करने के लिए एक बार फाल्स बाइट किया और काफी तेज हुंकार किया, जिससे कि माता जी पीछे हट गई, उनको बचने का मौका मिल गया। अगर वहीं पर माता जी पीछे नहीं हटती और इसको अपनी जान का खतरा लगता तब ये बाइट कर लेता, तो ये तभी बाइट करते जब इन्हें अपनी जान का खतरा महसूस होता है। फिलहाल बिना वक्त गवाए हम लोग उसको बैग में पैक करने का प्रयास करेंगे। जब तक कि हम लोग उसको बैग में पैक करेंगे, मैं कुछ और जानकारी आप लोगों से साझा करूंगा इसके बारे में। चलिए तो उसको पैक किया तो के ना बोला था काहे के वही का पूरा खाना ले ले मतलब तू ऐसा मत करा लाए अपने पकड़ा लगा हमार देख के हां तो हां देखा हनुमान का देखा
तो भाग भी करेगा नहीं, छोड़ने में काहे नहीं भागेगा। खाली करिए कोई पकड़े हुए क्या भी उसको। अरे यार बड़ा गुस्सा आ रहा है इसमें सबों को। वो खुद ही काट रहा है अंदर, एक पूरा दांत ऐसा दिया उसको, लग रहा किसी काट रहा हूँ मैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अब एक भी बैग नहीं रह गया है खाली जिसमें हम लोग सांप को रख सकें। हमने हमारे पास जितने बैग थे सब में एक एक सांप को रख लिया रेस्क्यू करके। तो अभी हम लोग फिलहाल ऐसा विचार कर रहे हैं कि दो कोबरा सांपों को एक बैग में रख लें, क्योंकि बैग में रखना इनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। डब्बे या फिर प्लास्टिक की बोरियाँ उतना ज़्यादा सेफ और कम्फर्टेबल इनके लिए नहीं रहती हैं। तो हमने सोचा कि अभी फिलहाल के लिए इन दोनों सांपों को एक ही बैग में रखते हैं, और जैसे ही हम लोग घर पे पहुंचेंगे या फिर जैसे हमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा हम इसको एक अलग बैग में कर लेंगे और सभी सांपों को ले जाकर के जंगल में रिलीज कर देंगे। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी था और काफ़ी ज़्यादा रेस्क्यूज आज थे, इसलिए हमें बिल्कुल भी मौका नहीं मिला इन्हें रिलीज़ करने का। लेकिन अभी फिलहाल रिलीज़ करना कंपलसरी हो गया है, तो बिना वक्त गवाए हम लोग इस सांप को रेस्क्यू करने के बाद सभी सांपों को ले जाकर के सबसे पहले रिलीज़ करेंगे, उसके बाद तब आगे के रेस्क्यूज़ को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इनका रिलीज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे पास जितने भी बैग्स थे सब भर चुके हैं, क्योंकि आज के दिन पे काफ़ी ज़्यादा रेस्क्यू था, पता नहीं क्यों लेकिन आज बहुत ज़्यादा रेस्क्यू था। और आप लोग देख सकते हैं हमने दो इंडियन स्पेक्टिकल कोबराज को एक ही बैग में रख लिया, एक तो पहले से था अभी, दूसरा हमने अभी रखा है। दोनों सांप इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा ही हैं, यानी कि दोनों सेम स्पीसीज के हैं, इसलिए इन दोनों के वेनम का एक दूसरे पर कोई भी असर नहीं होगा। अगर ये आपस में लड़ भी जाते हैं, एक सांप दूसरे सांप को काट भी लेगा, तब भी किसी सांप की जान नहीं जाएगी, इसलिए हम लोगों ने दोनों सांपों को एक ही बैग में रखा। और यहाँ पर हम लोग सांप को रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जंगल काफी बड़ा है और यहाँ पर इंसानों का आना जाना बहुत ही कम होता है, जिससे कि सांप भी पूरी तरह से सुरक्षित है और इंसान भी पूरी तरह से सुरक्षित है। और आप लोग देख सकते हैं जो सांप है वो अभी यहाँ आसपास के माहौल का मुआयना कर रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे ये मेरे पास से होते हुए अपने अनुकूलित वातावरण में जा रहा है, तो मैं भी इसको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, अपने पास से जाने दूंगा। और आप लोग देख सकते हैं जो सांप है वो हमारे बिल्कुल पास से गया, लेकिन इसने एक बार भी हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। तो जब भी इन्हें खतरा महसूस होता है तभी ये किसी को बाइट करते हैं, बिना कारण अनावश्यक रूप से किसी को भी बाइट करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करते। और आप लोग देख सकते हैं जो सांप है वो धीरे धीरे करके अपने अनुकूलित वातावरण में जा रहा है, तो ज़्यादा परेशान न करते हुए हम लोग इसको इसके अनुकूलित वातावरण में जाने देंगे। आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ में कमेंट भी ये भी बताएं कि आज के पहले आपने सांप का इतना ज़्यादा गुस्सा देखा था। जैसा कि आप सबने रेस्क्यू वाले टाइम पे देखा, दूसरे सांप ने बैग के अंदर अपना दांत गड़ा करके अपने अंदर का सारा वेनम इंजेक्ट कर दिया था, और उसे काफ़ी देर तक वो बाइट ही कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी इंसान या फिर ऐसे चीज़ को बाइट कर रहा हूँ जिसने मुझे परेशान किया है, ऐसे में वो अपने अंदर का पूरा वेनम इंजेक्ट कर देना चाह रहा था और काफ़ी देर से बाइट कर रहा था। फिर हमने स्टिक की मदद से उसके दांतों को बैग से निकाला, उसके बाद उसको भी लाके यहाँ पर रिलीज़ कर दिया और इस सांप को भी रिलीज़ कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो से वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।